शास्त्रीमित्र मैं बच्चों का सहचर्य शास्त्र मानकीलाल वर्मा राजस्कोपी के छठे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चक्रण चक्रण युग्मन स्थिरांक स्पिन स्पिन कपलिंग कांस्टेंट युग्मन स्थिरांक चक्रण चक्रण युग्मन के प्रभावी होने के माप है। निम्न बिंदुओं द्वारा समझते हैं। पहला, यह एक मल्टीप्लेट की दो निकटवर्ती शिखरों के मध्य की दूरी स्थिर रहती है, इसे चक्रण चक्रण युग्मन स्थिरांक कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। युग्मन स्थिरांक को जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई साइकल्स पर सेकंड या हर्ट्ज है। युग्मन स्थिरांक का मान प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। युग्मन स्थिरांक J का मान सामान्यतया 120 हर्ट्ज के मध्य होता है। युग्मन स्थिरांक का मान युग्मित प्रोटॉन के मध्य संरचनात्मक अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। ज्यामितीय समायोजनों में विकक्ष प्रोटॉन के युग्मन स्थिरांक का मान समकक्ष प्रोटॉन के युग्मन स्थिरांक की तुलना में अधिक होता है। यदि अन्योन्य क्रिया करने वाले प्रोटॉन के दो समूहों के मध्य रासायनिक विस्थापन का मान अधिक होता है तो NMR स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना सरल होता है। अन्य शब्दों में यदि डेल न्यू और जे इज ग्रेटर देन 7 हो तो इसका विश्लेषण करना आसान होता है। इसे प्रथम कोटि का NMR कहते हैं। उदाहरणार्थ एथिल अल्कोहल में मेथिल मिथाइलिन तथा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के अवशोषण संकेत क्रमशः ट्रिपलेट और क्वार्टेट तथा सिंगलेट के रूप में मिलते हैं। यहाँ मेथिल तथा मिथाइलिन शिखरों के युग्मन स्थिरांक का मान 7 से अधिक होता है, जबकि दोनों शिखरों के मध्य का अंतर 140 हर्ट्ज है। यदि एल न्यू और जे इज लेस देन इक्वल टू 7 तो NMR स्पेक्ट्रम का विश्लेषण जटिल हो जाता है। इसे जटिल कोटि का NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विशुद्ध एथिल अल्कोहल में मेथिल मिथाइलिन तथा हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के अवशोषण संकेत क्रमशः ट्रिपलेट ऑक्टेट तथा ट्रिपलेट के रूप में मिलते हैं। युग्मन स्थिरांक जे के मान की सहायता से निम्न में विभेद किया जा सकता है। ए, एक डबलेट तथा दो सिंगलेट के मध्य, दो डबलेट तथा एक क्वार्टेट के मध्य। यदि रेडियो आवृत्ति में परिवर्तन करने पर दो शिखरों के मध्य कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह डबलेट होगा, परंतु यदि रेडियो आवृत्ति में परिवर्तन करने पर दो शिखरों के मध्य अंतर में वृद्धि होती है तो वह दो सिंगलेट होंगे। इसी प्रकार दो डबलेट तथा एक क्वार्टेट में विभेद किया जा सकता है। इस जानकारी के अनुसार युग्मन स्थिरांक जे को कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। एक मॉलिक्यूल का पार्ट है CH CH2, इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन हैं, मेथाइलिन प्रोटॉन ए और एसिटाइलिन प्रोटॉन बी। इस यौगिक के NMR स्पेक्ट्रम में दो अवशोषण एब्जॉर्प्शन सिग्नल प्राप्त होते हैं। ये इस तरह से है, प्रोटॉन बी एक ट्रिपलेट देगा, ये यहाँ दर्शाया गया है। ये एक ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट में दो समीपवर्ती शिखरों के मध्य की दूरी समान होती है। ये जे दूरी है, ये जे दूरी है, दोनों के समान है। इस दूरी को युग्मन स्थिरांक जे कहा गया है। इसके तीनों शिखरों का अनुपात 1:2:1 है। सेकंड, जो बी प्रकार के प्रोटॉन है, इसके पड़ोस के दूसरा कंपाउंड है CH CH3 ग्रुप वाला, इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन है, ए मेथिल प्रोटॉन ए प्रकार के तथा मिथाइलिनिक प्रोटॉन बी प्रकार के। ये एक प्रोटॉन है, मेथिल प्रोटॉन 3 है। इस यौगिक के NMR स्पेक्ट्रम में दो अवशोषण संकेत प्राप्त होंगे। 3 समतुल्य प्रोटॉन ए के प्रभाव से प्रोटॉन बी एक क्वार्टेट देगा। इसमें चारों शिखरों का अनुपात 1:3:3:1 होगा। ये यहाँ एक क्वार्टेट बताई गई है,
जिसमें पहला और चौथा संकेत एक एक अनुपात में है और दूसरा और तीसरा जो संकेत है वो तीन तीन के अनुपात में 1-3-3-1। यहाँ हम ये देखते हैं कि ये जो जे दूरी है एक से दूसरे शिखरों के बीच ये समान है, ये पहले और दूसरे के बीच जो दूरी है जे पहले और तीसरे के बीच टू जे और पहले और तीसरे चौथे शिखर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3J है, क्योंकि ये तीनों दूरी हैं जे 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 तीनों समान। तीसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं 1-2-ट्राइक्लोरोएथेन 1-2-ट्राइक्लोरोएथेन। इसमें दो प्रकार के प्रोटॉन बताए गए हैं, एक प्रोटॉन है HBV प्रकार का, एक प्रोटॉन है और ए प्रकार के दो प्रोटॉन। इस यौगिक के NMR स्पेक्ट्रम में दो अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं, प्रत्येक में युग्मन स्थिरांक J का मान स्थिर होता है, दो समतुल्य प्रोटॉन A के प्रभाव में प्रोटॉन B ट्रिप्लेट देता है, जबकि प्रोटॉन B के प्रभाव में प्रोटॉन A का डबलेट प्राप्त होता है। ये जो प्रोटॉन है A, इसके प्रभाव से हमें एक डबलेट प्राप्त हो रहा है क्योंकि इसके पास वाले कार्बन पर A प्रोटॉन है, तो 1+1=2, तो एक डबलेट प्राप्त हो रहा है A प्रोटॉनों के कारण। और ये जो B प्रकार का एक प्रोटॉन है इसके पड़ोस वाले कार्बन पर चूँकि तीन प्रोटॉन है इसलिए यहाँ हमें दो प्रोटॉन है इसलिए हमें यहाँ एक ट्रिप्लेट मिल रहा है। और ये जे स्थिरांक यहाँ बताया गया है चौथा मॉलिक्यूल हमारा CH3CH2CH2I यानी आयोडो प्रोपेन या प्रोपिल आयोडाइड के NMR स्पेक्ट्रम में तीन अवशोषण संकेत प्राप्त होते हैं, प्रोटॉन A व C के प्रभाव में प्रोटॉन B सेक्सटेट देता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि A प्रकार के प्रोटॉन की संख्या 3 है, B प्रकार के 2 हैं, C प्रकार के 2 हैं। हमारा ये जो B प्रकार के प्रोटॉन है इसके ये जिससे जुड़ा हुआ उसके पास वाले कार्बन पर 3 और 2 कुल मिलाकर 5 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, तो ये 5+1=6। सेक्सटेट देगा यहाँ जे कपलिंग कांस्टेंट जे ए बी इज इक्वल टू 6.8 हर्ट्ज और जे बी सी इज इक्वल टू 7.3 हर्ट्ज। ए बी तथा सी के लिए अवशोषण संकेत क्रमशः डेल 1.02, 1.86 तथा 3.17 पर मिलते हैं। प्रोटॉन बी के प्रभाव से प्रोटॉन ए ट्रिप्लेट देते हैं जिनका अपेक्षित क्षेत्र 1-2-1 होता है। इसी प्रकार का विपाटन प्रोटॉन सी के लिए भी होता है, इसके युग्मन स्थिरांक का मान जे इज इक्वल टू 6.8 हर्ट्ज तथा जे बी सी इज इक्वल टू 7.3 हर्ट्ज होता है। क्योंकि जे ए बी तथा जे बी सी के मान समान नहीं है अतः मेथिल प्रोटॉन बी ऐसे दो प्रोटॉन के समूह के प्रभाव से प्रभावित होता है जो कि चुंबकीय रूप से समतुल्य नहीं है, अतः मेथिलीन प्रोटॉन बी ऐसे दो प्रोटॉन के लिए अवशोषण शिखरों यानी विपाटित शिखरों की संख्या 3+2×2+1 4×3=12 होती है। उच्च विभेदन स्पेक्ट्रम में इस प्रकार का पैटर्न मिलता है यानी हमें जो संकेत मिलेगा वो 12 शिखरों में विपाटित होगा, जबकि निम्न विभेदन स्पेक्ट्रम में मेथिल प्रोटॉन के लिए सेक्सटेट प्राप्त होता है। समतुल्य प्रोटॉन आपस में अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन नहीं करते हैं अतः इनमें विपाटन नहीं होता है। उदाहरणार्थ एथिल बेंजीन इथेन बेंजीन एसीटोन में सभी प्रोटॉन के समतुल्य होने के कारण हमें सिंगलेट प्राप्त संकेत प्राप्त होती है यानी इनका संकेतों का विपाटन नहीं होता है, परंतु 2-ब्यूटेनॉन में 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, ये तीनों समतुल्य नहीं है, ए प्रकार के प्रोटॉन के निकटवर्ती कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है अतः इसके अवशोषण संकेत का विपाटन नहीं होगा, परंतु बी प्रकार के प्रोटॉन के पास वाले कार्बन परमाणु पर 3 प्रोटॉन हैं अतः नियम N+1 के अनुसार यह क्वार्टेट देगा, जबकि सी प्रकार के प्रोटॉन के पास वाले कार्बन परमाणु पर 2 प्रोटॉन हैं अतः यह ट्रिप्लेट देगा।
यौगिक प्रोपेन में मेथिलीन समूह के दोनों ओर समतुल्य मेथिल प्रोटॉन से प्रभावित होते हैं। यहाँ कुल मेथिल प्रोटॉन की संख्या 6 है, जो 6 प्रोटॉन जो है वो समतुल्य है। अतः हमें मेथिलीन प्रोटॉन है तो एक सेप्टेट यानी 6+1=7 शिखरों में ही है। इसका जो संकेत है वह विघटित हो जाती है, जिसे हम सेप्टेट कहते हैं। एक मल्टीप्लेट में शिखर क्षेत्र पीक एरिया का सापेक्षिक अनुपात निम्न प्रकार होता है। डबलेट 1:1, ट्रिपलेट में 1:1, क्वार्टेट में 1:3:3:1, क्विंटेट में 1:4:6:4:1, सेक्स्टेट में 1:5:10:5:5:1। सेप्टेट में विभाजित होने पर इसका जो अपेक्षित एरिया है, पीक एरिया, इनका अनुपात हो जाता है 1:6:15:20:15:6:1। अवशोषण संकेत की बहुलता तथा सापेक्षिक शिखर क्षेत्र अनुपात, रिलेटिव पीक एरिया रेशियो, पास्कल त्रिकोण, पास्कल ट्रायंगल द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, या हम इसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमें जो विपाटित संकेत मिलेगा वह किस तरह का होगा, उसमें कितने शिखर होंगे। सिंगलेट में 1 है, डबलेट के निकालने के लिए 1 को 1 और 1 इधर लिख देते हैं। ट्रिपलेट के लिए कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, फिर 1+1=2, फिर वापस 1। क्वार्टेट के लिए 1 लिखने के बाद 1 और 2 को जोड़ के 3, और 2 और 1 को जोड़ करके 3 और 1, इन दोनों तरफ 1-1 लिखते चलें और बीच में इनको जोड़ करके लिखते चलें। क्विंटेट में 1 लिख दिया, फिर उसके बाद 1+3=4, 3+3=6, 3+1=4, और के क्विंटेट के बाद सिक्स्टेट यानी 6 में विभाज्य विपाटित जब होता है तब 1, फिर 1+4=5, फिर 4+6=10, फिर 6+4=10, 4+1=5। एक सेप्टेट के केस में 1 लिखने के बाद हम 1 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, 1:6, उसके बाद 5+10=15, 10+10=20, 10+5=15, 5+1=6 और 1। स्पेशल टेस्ट में हम इस टेक्निक का काम को काम में लेते हैं, स्पिन डीकपलिंग। एनएमआर संकेत की सही जन्म स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। वह तकनीक जिससे प्रोटॉन अथवा समतुल्य प्रोटॉन के समूह को पर्याप्त सघन रेडियो आवृत्ति के साथ इस प्रकार आलोकित रेडिएट किया जाए कि निकटवर्ती प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न युग्मन प्रभाव को पूर्णतया समाप्त किया जा सके, चक्रण युग्मन कहलाता है। Thank you.